हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज एक अलग चीज़ बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी गौशाला में जाते हैं तो क्या देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पहुंचे हैं तलवाड़ा बुजुर्ग जीजी शाह गोधाम तलवाड़ा बुजुर्ग। नेक्स्ट हम जब एंट्री करते हैं तो सभी पशु पर ध्यान देते हैं और सभी एक एक को देखेंगे हम क्या हो रहा है। यहाँ सभी पशु देख रहे हम, खाना सभी का ओके है, सभी में कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है। ये गाय है, ये देखने में आ रही है, इसमें आंखों से आंसू आ रहे हैं, एक में आ रहे हैं, मतलब आंख में इन्फेक्शन है। दोनों साथ है तो कुछ बीमारी मिलती। आगे जाते हैं, ये जो फीड है इसके बारे में जो संचालक उनसे बात करेंगे। और आगे गाय, ओके, ये सांड है, ये गाय है, थोड़ी सी एग्रेसिव है, इसके कारण हमको बस। अब यहाँ सभी गाय को देख रहे हैं एक एक करके, उनका गोबर देख रहे हैं कैसा है, ठीक है, बाकी बढ़िया है सभी। और अब जो है दूसरी पार्ट, बस दूसरा जो पार्ट है हमारा मेन है वो बछड़ों की स्क्रीनिंग करेंगे हम। बछड़ों में सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिम्फ नोड में कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, फिर इसके प्लेयर लिम्फ नोड नहीं है और पेरोटिड लिम्फ नोड, और आँख से कोई आंसू भी नहीं आ रहे हैं, इसमें टिक्स तो नहीं है, ये देखते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई डल तो नहीं है, ये देखते हैं। सभी बछड़ों को देखेंगे, गायों को भी देख रहे हैं। चलो ये थोड़ा सुस्त लग रहा है, देखते हैं क्या निकलता है इसको। ये मिल, ये है पैरोटिड लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग है इसमें, ये मिल गया है, एनीमिक है और टिक्स, इसमें कुछ टिक्स भी है। ये वाला बछड़ा अच्छा है, ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक और बछड़ा इसमें टिक्स है वो भी अच्छा है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाला है जो सुस्त है, डल है और बिल्कुल ग्रोथ नहीं ले रहा है और खाना भी कम खा रहा है, ये इसको जो है वो तो अच्छा है, ये वाले को इसको वो लगाओ, बुपारों को इंजेक्शन लगाएंगे इसको, ये अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसकी लेटरिन भी थोड़ी खराब है, बस 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 इसको तीन है, बैल बुपारों के इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो अच्छा हो जाएगा बढ़िया, क्योंकि ये फैलेरिया से सस्पेक्टेड है। एक्सरसाइज है क्या? ममलेश्वर सोलंकी तलवाड़ा बुजुर्ग एमपी से
ये गौशाला संचालन करते हैं और अपना दूध ए टू मिल्क जो मार्केट में लोकल बेचते हैं और उसकी बहुत डिमांड है, उसका किस तरह मैनेजमेंट करते हैं वो हम ममलेश्वर सोलंकी से जानेंगे। हाँ ममलेश्वर, हमको बताओ कि आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इतनी सारी गाय हैं, बहुत सारा चैलेंज होगा आपको मैनेजमेंट करने में। सर जो हमारा दैनिक क्रियाक्रम है, मतलब शुरू से सुबह 4 बजे से सबसे पहला काम होता है सुबह का दूध धोने का। धोन के बाद गायों को बाहर विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है, ग्राउंड में घूमती रहती है वो। उसके बाद में जब अंदर से पूरा साफ सफाई करके सुबह 9 बजे वापस गायों को अंदर कर लिया जाता है। उसके बाद में उन्हें सुपर नेपियर जो हरे घास उसका चाप कटर से कटिंग करके डाला जाता है और उसके साथ में सूखा चारा, और जो 10 लीटर दूध देती है उस गाय को दिन भर में 6 किलो फीड दिया जाता है। इसमें अपन मक्का गेहूं का दलिया और खली मिलोना खली जो अपना काटन का और चापड़ रहता है। सर बाजार से कोई चीज़ देते क्या? बाजार से सर ऐसा अभी हम घर पे ही बनाते हैं सर, मतलब दलिया वगैरह उबाल के देते हैं पूरा। इसमें कुछ समस्या आती है क्या आपको? सर समस्या में इसमें सबसे अधिक समस्या अगर क्लियर जो नहीं किया जाए, मतलब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाए तो थनेला का दिक्कत आता है सर इसमें। और बछड़ों में कौन सी बीमारी आती है? सर इसमें बछड़ों में एक तो वो आप बता रहे थे नोट का थेलेरियस का रहता है सर, और टिक्स वगैरह का दिक्कत। बाकी कोई समस्या नहीं आती? बाकी तो सर ठीक रहता है। मतलब स्कोप कैसा है इसका? सर अभी तो अच्छा है, स्कोप है, डिमांड भी है मार्केट में। हाँ दूध का डिमांड है। आप किसी प्रकार के मेडिसिन का उपयोग करते हैं दूध बढ़ाने के लिए? दूध बढ़ाने के लिए कोई नहीं देते सर, पूरा नेचुरल रहता है। नेचुरल सर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।